तो भाई ड्यूटी पे निकलते हैं आज। ये इसका जो जे माउंट है ये यहाँ पे प्लग करता हूँ। जैसे खाली कहीं बाइक लेके जाता हूँ ना, तो ये चीज़ इतना बड़ा क्या लगा रहेगा, सही नहीं दिखेगा, इसलिए मैं इसको खोल देता हूँ। ठीक है, चलो भाई इसको यहाँ पे अभी माउंट करता हूँ इस तरीके से। ये देख सकते हो भाई इसका लॉक लगा हुआ है बिल्कुल। ये देख सकते हो कट करके एक आवाज आएगी अभी, मतलब लग जाएगा। ठीक है, ये रहा भाई टक्कर की आवाज़ आए, ये लग गया अब लॉक। फिर लॉक ये दोनों दबा के ही निकलेगा। ठीक है, और हमारा एक्शन कैमरा अभी यहाँ पे फिट कर लेते हैं और ड्यूटी को ऑन करते हैं। ठीक है भाई, फिर दिखाता हूँ सबको। तो दोस्तों देख सकते हो इस तरीके से हमारा ये गोप्रो का सेटअप पूरा बन चुका है। ठीक है, चलो भाई निकलते हैं अब ड्यूटी पे, फिर आपको दिखाते हैं। तो भाई लोग अभी मैं यहाँ पे पोर्टर पे लगभग 9 बजे से मैं ऑन ड्यूटी हूँ। ठीक है, मुझे कोई भी ड्यूटी अभी नहीं मिली है। ठीक है, चलो इसको ऑफलाइन करके मैं दोबारा ऑनलाइन करता हूँ। ऐसा भी कभी कभार होता है नेट वगैरह इशू या ऐप की कोई इशू हो। चलो भाई इसको मैंने खोल दिया है। ठीक है, अब मेरा जो नियर बाई इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ चलते हैं थोड़ी देर। ठीक है, मुझे आसार है, संभावना है कि ड्यूटी मुझे वहीं से मिलेगी। ठीक है, चलो चलते हैं। और एक और बात मैं भाई लोग आप लोगों के लिए कहना चाहता हूँ, जो लोग ओला उबर पोर्टर रैपिडो ये सब ऑनलाइन फील्ड डिलीवरी का काम करते हैं, तो इनको मैं बता दूँ भाई, ऐसी कोई एरिया में ऑनलाइन होना, ड्यूटी ऑन करना, ठीक है, आपके घर से ही हो जाओ ड्यूटी ऑन पहले, तो फिर आपके आसपास ऐसे लोकेशन पर चले जाना जहाँ पे कि भीड़ भाड़ हो या फिर इंडस्ट्रियल इलाका हो, होलसेल मार्केट हो, कुछ भी, क्योंकि वहाँ से जो है ना ऑर्डर मिलने के आसार चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो अभी मैं मेरा जो नियरेस्ट इंडस्ट्रियल एरिया लगता है वो नरेला इंडस्ट्रियल एरिया है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आ चुका हूँ। चलो भाई नियरेस्ट बोलते कि हमारे यहाँ पे 2-3 इंडस्ट्रियल एरिया लगता है, तो मैं इधर आ गया था। ठीक है, तो चलो यहीं से आज काम शुरू करते हैं। बाकी मैं अभी मेरे आईडी पे पोर्टल पे देख सकते हैं ऑनलाइन हूँ। पिछले लगभग अभी वक्त हो गया है 10:11, मैं 9 बजे से इसका ऑनलाइन हूँ, बट कोई ड्यूटी नहीं है, मैंने ऑफलाइन करके फिर दोबारा ऑनलाइन आया। ठीक है, चलो देखते हैं भाई कितनी देर में ड्यूटी आती है और कहाँ की आती है और कितने देर तक की। ठीक है, और आज मैं दोस्तों पोर्टर में ही ड्यूटी कर रहा हूँ। वैसे तो आपके पास अगर मल्टी ऐप है तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि कौन से में ड्यूटी ज़्यादा वो हो सकता है। ठीक है, तो दोस्तों कंटिन्यू रहना मेरे चैनल पर, और अगर नए हो तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ऐसी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिलती रहेगी। तो भाई कुछ भाई लोग यहाँ पर मिल चुके हैं, भाई दुकान है। ठीक है, नरेला डिस्ट्रिक्ट में ना आना हो तो यहाँ पे आ जाना भाई, ये बिल्कुल इसी रोड मैन वाले रोड पे है, और भाई ने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब भी कर दिया मिलके। ठीक है, चलो ठीक है भैया, अच्छा लगा। ठीक है, फिर मिलते हैं। तो भाई मेरे पास अभी पोर्टर से ऑनलाइन का ये ड्यूटी मिल चुका है, पहला ऑर्डर। चलो भाई देखते हैं यार ऑर्डर कहाँ का होता है। ये भाई लोग यार काफ़ी अच्छे थे। ठीक है, मेरा एक्शन कैमरा वगैरह देख के इन्होंने रोका कि भाई वीडियो वगैरह बनाते हो, मैं कहाँ भैया। ठीक है, तो भाई यार क्या करे, कभी देखो काम ऐसे होता है, कोई सा भी हो, बिजनेस हो, ऑनलाइन अर्निंग हो, फील्ड का काम हो, कंपनी छोड़ के, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब छोड़ के, ये मान के चलो अपना बिजनेस है, अपना काम कर रहे हैं भाई। ठीक है, जब मन हुआ निकले, जब मन हुआ छुट्टी कर लिए, कोई बोलने वाला नहीं है। ठीक है, तो बिजनेस में भाई देखो कभी कम पैसे होते हैं, कभी ज़्यादा भी होते हैं। ठीक है, कम हुआ तो कोई देगा नहीं और ज़्यादा हुआ तो हम किसी को देंगे नहीं, यही है ना भाई। तो अभी मैं एकदम लोकेशन पे पहुंचने वाला हूं, फिर लोकेशन में पहुंच के दिखाता हूं आपको ऑर्डर कितने का मेरे पास असाइन हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दो यार मेरे यूट्यूब चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, तो भाई अभी मैं लोकेशन पे पहुंच गया हूं, थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा लेते हैं, धूप है काफ़ी दिख नहीं रहा है। तो ये है 366 रुपये का, ये नरेला इंडस्ट्रियल एरिया से नायवाला करोल बाग जाएगा। तो इस तरीके से पार्सल को बिल्कुल सही तरीके से बांधना है ताकि भाई ये गिरे ना। ठीक है, अब चलो मैं स्टार्ट ट्रिप कर देता हूँ यहाँ पे। तो जिन्होंने बुक किया था उन्होंने बोला भाई पहुँच के मेरी बात करवा देना, पेमेंट वहीं पे कर दूँगा, मतलब ऑनलाइन। ठीक है, अच्छा चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है। और चैनल को भाई ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो यार, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दो। ठीक है,
तो ये तो मैं भी थोड़ा इंस्पायर होऊंगा और अच्छे अच्छे तरीके का भाई अर्निंग रिलेटेड वीडियो आपको दिखा सकता हूँ। ठीक है, ये भाई ठेले वाले भी ना बड़ा भाई मेहनत करते हैं भाई। ये मैं अभी बाइक पे बांध रहा था उसी में मैं पूरा पसीना पसीना हो गया। ठीक है, तो ये लोग सोचो कितना मेहनत करते हैं। ठीक है, अपना परिवार अपना फैमिली को चलाने के लिए पालन पोषण के लिए क्या क्या करते हैं भाई, ये देख सकते हैं। मेरे ख्याल से भाई करोलबाग से तो मिल ही जाएगा क्योंकि वहाँ पे इतना मतलब सामान आना जाना होता है, पूरा मार्केट है। ठीक है, तो चलो दोस्तों मिलते हैं लोकेशन में पहुँचने के बाद। ठीक है, तो भाई अभी मैंने यहाँ पे ड्यूटी एंड कर दिया ट्रिप जो कि सामने वाले दुकान पे देना था। ठीक है, ये 366 रुपये मिले और कंपनी के 73 रुपये काट के जो कमीशन है वो मुझे मिल जाएगा, 5 स्टार दे देते हैं कस्टमर को। अब दोस्तों देख सकते हो नेक्स्ट ड्यूटी के लिए यहाँ पे ऑर्डर मतलब अभी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ड्यूटी के लिए तैयार है। ठीक है, एक और भैया यहाँ पे मिल चुके थे, वो कैमरा देखते आए थे यहाँ भाई वीडियो वगैरह बनाते हैं। ठीक है, चलो भाई अब यहाँ से निकलते हैं। ठीक है, अब देख तो मेरा वॉलेट बैलेंस 327 रुपये था पहले से ही, अभी ऐड होगा थोड़ी देर में, ये ऐड हो जाएगा जो कैसा हमें मिला है। ये देखो अभी दोस्तों मेरे ख्याल से एक और ड्यूटी आएगा। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ड्यूटी आ रही है, ड्यूटी आ रही है दोस्तों। अभी देख सकते हो एक ड्यूटी ये कंप्लीट करा और एक और ड्यूटी अभी आ गया भाई, एक और ड्यूटी आ गया अभी। चलो भाई देखते हैं लोकेशन के हिसाब से चलो चलते हैं। ठीक है, 1.5 किलोमीटर का यहाँ से पिकअप है और बस रस्सी को यार मुझे पता है कि यहाँ से ड्यूटी मिल जाना था, ड्यूटी मिलना ही था मुझे यहाँ से। ठीक है, तो मैंने ये जो रस्सी को जो पार्सल वगैरह बांधते हैं ना भाई, इसको मैंने खोल के बैग में दोबारा डाला नहीं, यहीं पे बांध लिया। अब बार बार बैग निकालूँ खोलूँ, ठीक है, उसमें भी दिक्कत होगी इसीलिए। चलो भाई उनके लोकेशन पर पहुँचते हैं और हाँ उनके लोकेशन पर पहुँचने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कितने रुपये का ऑर्डर था, आपने शायद पहले स्क्रीन में देख लिया होगा फ़ोन के। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वहाँ पहुँच के फिर आपको बताता हूँ पूरी डिटेल कैसे क्या है। ठीक है, ये एक्शन कैमरा भाई जो YouTube में देखते हो वो ज्यादातर यही है। भाई यूट्यूबर हूँ, ब्लॉगिंग चलता है अपना। अच्छा अच्छा, हाँ वही चीज़ है, यहाँ भी यहाँ करने से क्या एक्चुअली नज़र में आ जाता है। ठीक है, यही चीज़ है। अच्छा अच्छा, हाँ, नहीं मैं मेरे पास और भी है। ठीक है, अब अभी मैं काम पे जैसे हूँ, ऑन ड्यूटी हूँ, तो माइलेज बाइक इसी पे करने पड़ता है काम। अब महंगी बाइक निकल के निकलेंगे इसमें तो सारा पेट्रोल ही पी जाएगा भाई। हाँ वही चीज़ है। तो भाई ये ऑर्डर 127 रुपये का है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसका ट्रिप कर देता हूँ, देखता हूँ भाई कितना किलोमीटर है। ठीक है, ये भाई अभी देखो ये एड्रेस आ गया। दस एक किलोमीटर होगा भाई मेरे अंदाजे में, ये देखो 8 किलोमीटर। तो भाई पार्सल यहाँ से लेके निकलते हैं तो ठीक है काम। भाई सेकंड ऑर्डर तो मुझे मिल चुका है। ठीक है, और देखो करोलबाग मैंने आपको पहले ही बोला, वीडियो चालू होने से पहले ही बोला मैंने आपको कि भाई ऐसे एरिया में खड़ा हो गए जहाँ पे बिल्कुल भीड़ भाड़ हो। ठीक है, तो वहाँ पे तो भाई काम होगा। ये देखो अभी मैं शीशे में देख रहा हूँ भाई रिकॉर्डिंग ऑन है या नहीं है। ठीक है, थोड़ा बस नया है इसीलिए थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि कैसे क्या है नहीं है। चलो भाई थोड़ा साइड लगाता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे देखा एक भाई, उन्होंने भी मतलब GoPro को इतना करीब से हीरो एक्शन कैमरा को नहीं देखा, वो भी भाई पूछ रहे हैं ये क्या है। तो दोस्तों बस निकलते हैं अब अपने लोकेशन पे। ठीक है, फिर वहाँ आपको बताते हैं कि कैसे क्या है। भाई देखो मैं बता दूँ, इतने छोटे छोटे पार्सल मिले ना भाई, देखो एक्चुअली पोर्टर कंपनी बता के रखती है 20x20 सेंटीमीटर। ठीक है, उस दायरे में अगर कस्टमर आपको ज़्यादा बड़ा पार्सल ज़्यादा लंबा चौड़ा दे रहा है तो भाई उसका कैंसिल भी कर सकते हो। ये देख सकते हो भाई जैप इलेक्ट्रिक, ये भी पोर्टर ओला ऊबर रैपिडो में ही चलता होगा। ठीक है, बैटरी वाली है। तो दोस्तों इसके ऊपर भी मैं एक दिन पूरा वीडियो बनाऊंगा, पूरा रिव्यू करूंगा इसका। ठीक है, क्योंकि देखो दोस्तों जो भी मतलब कि काम करते हैं, ठीक है, पता है कि भाई डेली पेट्रोल 200-250-300 रुपये का पेट्रोल लग जाता है। ठीक है, तो उसी चीज़ को देखते हो भाई मैं सोचा क्यों ना मैं भी एक बार
बैटरी वाली ये जेफ इलेक्ट्रिक को रिव्यू कर लेंगे। तो जो भी भाई लोग आना चाहते हैं पेट्रोल इससे इलेक्ट्रिक में आना चाहते हैं उसको थोड़ी आसानी हो जाएगी, ठीक है भाई। ये चीज़ देखो ट्रैफिक वाले सब खड़े हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। देखो लाइसेंस होना चाहिए, गाड़ी का पेपर होना चाहिए, आप ध्यान से चलाओ, लेन वगैरह इंडिकेटर दे के क्रॉस करो, ठीक है, आराम से चलाओ लिमिट से, तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप पार्सल भी लेके जा रहे हो तो अगर अदरवाइज़ भाई आप अगर लेन क्रॉस करते हो, ओवर स्पीडिंग करते हो, अगर किसी ट्रैफिक वाले के नज़र में आते हो भाई, वो तो फिर भाई चलान काटेंगे, ये गलत नहीं बोल रहा भाई मैं, ठीक है। आप एक बात और नोट करना भाई, मैं आपको बता रहा हूँ, आपके पास चाहे लाइसेंस ना हो, गाड़ी के पेपर ना हो, ठीक है, आप सही ढंग तरीके से चलाओगे ना भाई, फिर भी कोई इतना जल्दी हाथ नहीं देता, कोई नहीं पकड़ता तरीके से चलाओगे तो। और अगर आपके पास सारी चीज़ है ना और बेढंग का चलाओगे तो भी भाई हाथ दे देंगे कोई ना कोई ट्रैफिक वाले, ये बिल्कुल जायज बात है भाई, ठीक है। तो चलो दोस्तों मिलते हैं आप कस्टमर के लोकेशन पे, ठीक है, फिर आपसे और भी बात करता हूँ, ठीक है। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो यार, सपोर्ट करो, वीडियो को पूरा देखो दोस्तों, ऐसे ऑनलाइन रिलेटेड वीडियो मैं आपको देता रहूँगा, ठीक है। तो चलो दोस्तों मिलते हैं लोकेशन पे। हेलो मैम, मैं एक ऑर्डर पे हूँ मैम, यहाँ पे मैं इनके लोकेशन पे आ चुका हूँ, बट मैम कस्टमर से जब बात हुआ तो कस्टमर दूसरे एड्रेस दे रहे हैं, मतलब यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर दूर है मैम, तो मैं क्या करूँ बताइए आप जी। जी जी जी, मतलब मुझे ये कह रहे हैं कि आप मेरे लोकेशन पे आ जाओ, उनका लोकेशन एक्चुअली गलत है, नहीं ड्रॉप लोकेशन मैडम, पिकअप लोकेशन तो ठीक था, कंफर्म था उनका जी। हेलो, हाँ जी भैया, भैया आपके लोकेशन पे यहाँ पे रानी बाग पे यहाँ पे पहुँच चुके हैं, फिर जो भैया का नंबर उसमें आया ना पोर्टल पे, मैंने उनको कॉल किया, ठीक है। हाँ, उन्होंने फिर सैनिक बिहार का एड्रेस दिया सर मुझे, यहाँ से जो कि 1.5 या 2 किलोमीटर दूर है आपके लोकेशन से, ठीक है भैया, तो ड्रॉप लोकेशन ऐड करवा दीजिए, कस्टमर केयर से कॉल है उनको, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी मैम, नहीं मैम आप लोकेशन सैनिक बिहार का डाल दीजिए उसमें, ठीक है मैम, अच्छा तो अर्निंग बढ़ के आएगी ना मैडम, अच्छा अच्छा चलिए ठीक है मैम, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो भाई अभी देखो मेरे साथ ये सीन हुआ कि कस्टमर ने देखो ये रानीबाग का एड्रेस डाल रखा है, ठीक है, और लोकेशन यहाँ पे मैं एक्चुअली आ चुका हूँ, ठीक है, पीछे काफ़ी ट्रैफिक लग रहा है, और फिर कस्टमर अभी मुझे बुला रहे हैं भाई सैनिक बिहार में, ठीक है, मान के चलो कि पोर्टर में जो एड्रेस डाला गया था वो गलत डाला गया था, अब सैनिक विहार रानीबाग से भाई 1.5 से 2 किलोमीटर दूर है, तो अब मैं यहाँ से सैनिक विहार तक जाऊँगा वो तो भाई फिर मेरा पेट्रोल लग जाएगा, ठीक है, जो ऐप में दिखाया था पैसे, ठीक है, वो तो नहीं बनेगा ना भाई, ठीक है। तो मैंने कस्टमर केयर को कॉल लगाया कि इनका लोकेशन का एड्रेस गलत है, फिर कस्टमर केयर बता रहे हैं ठीक है मैं लोकेशन ऐड कर दे रही हूँ यहाँ से, आप चले जाइए, ठीक है, तो चलो जैसे भी हो, क्योंकि भाई अब खाली खाली जाए, ये देखो 1.1 किलोमीटर दिखा रहा है, ठीक है, अब ये देखो अब ये मैं चलने लगा, ठीक है, तो वही चीज़ है, अब फालतू भाई देखो 100-200 मीटर हो अगर तो चलो माना भी जा सकता है, ठीक है, कि चलो कोई बात नहीं यार 100-200 मीटर ही है, थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्या कॉल बैक करें कस्टमर को किसी को, ठीक है। यहाँ भाई 1.5 किलोमीटर है, तो 1.5 किलोमीटर में कभी कभार जाम लगता है ना भाई मेरे, 20 मिनट लग जाता है, समझो आप, तो आप ऐसे करना, कोई अगर लोकेशन चेंज है आप कस्टमर केयर को कॉल करो, या कस्टमर को बोलो भाई ड्रॉप लोकेशन एड स्टॉप करने, इसमें क्या होगा आपका किराया थोड़ा बढ़ जाएगा, जो भी पेट्रोल का खर्चा वर्चा वो आ जाएगा उसमें, ठीक है, आप ऐसे करना, ये नहीं वो बुलाया भाई कहीं और कहीं भगा रहा है हम चलते गए, ऐसा बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो बस पहुँचते हैं लोकेशन पे और देखते हैं, और बाकी कस्टमर तो ये ठीक था बोले हाँ भैया चले जाओ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो भाई मैंने उनको पार्सल दे दिया और देख सकते हैं उस टाइम किराया कितना था और अभी किराया कितना बढ़ गया, सिर्फ 1.1 किलोमीटर का इतना किराया बढ़ा,
तो दोस्तों ये गलती कभी मत करना, अगर आपको लगता है कि आधा किलोमीटर पर 1 किलोमीटर ठीक है आगे जा रहे हो ना ठीक है, तो भाई अपना स्टॉप लोकेशन बढ़ा के ही चलना, आपके पैसे ज़्यादा बनेंगे ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। कहाँ 115 या 125 दिखा रहा था, अब ये 202, कस्टमर ने मुझे 200 रुपये दे दिया, चलो इस ट्रिप को भी कैश दे दिया मुझे ठीक है, देखो 75 रुपये बढ़ के आया है। ओ भाई बताओ 1.1 किलोमीटर का, चलो कलेक्ट करते हैं, 5 स्टार देते हैं कस्टमर को, लोकेशन गलत था फिर भी 5 स्टार दे दिया, कोई बात नहीं है ठीक है। चलो भाई देखते हैं और नेक्स्ट ऑर्डर के लिए रेडी हूँ ठीक है, उनको रखा। अब भाई ये जल्दबाजी में मैंने नहीं निकाला था रस्सी, अब इसको निकालता हूँ फटाफट से, फिर बार बार इसको बैग में निकालो डालू, यही अच्छा नहीं है ठीक है। बस चलो चाबी लगाओ, फिर थोड़ा कहीं रुक के पानी वानी पीते, जब से मैं निकला भाई पानी वानी कुछ नहीं पिया हूँ, ये घोट भी ठीक है, अभी 2 बज गए ठीक है, थोड़ा बाहर निकल के कहीं छाए में 5 मिनट रुकते हैं ठीक है, ऑर्डर का इंतज़ार करते हैं, पानी पीते हैं ठीक है भाई, फिर देखते हैं कोई ऑर्डर आ जाए एकदम, फिर निकलते हैं लेके। तो दोस्तों देखा ना आपने, ऐसी मिस्टेक कभी भी मत करना भाई एकदम ठीक है, कभी भी मत करना, आपको लगे दूर है लोकेशन ऐड करवाओ, कस्टमर नहीं कर रहा है, कस्टमर केयर के पोर्टल का भाई मतलब इतना सर्विस बढ़िया है ना, पोर्टल पे तुरंत मतलब कि कॉल करोगे कि कस्टमर रिलेटेड, भाई साहब 10 सेकंड नहीं लगते, पोर्टर की तरफ से कॉल बैक आ जाता है, और कितने रिस्पेक्ट दे करके बात करते हैं भाई राइडर लोगों से, राइडर सर बात कर लीजिए आपको क्या दिक्कत है ठीक है, ये चीज़ है। तो बस नेक्स्ट यही रुकते हैं भाई, थोड़ा पानी वानी पीते हैं ठीक है, फिर नेक्स्ट ऑर्डर का इंतज़ार करते हैं भाई। भाई ऐसी रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहेगी, सब्सक्राइब करो यार मेरे चैनल को ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो शेयर करो ठीक है भाई, इससे भाई ऑन ऑफ होता है ठीक है। हाँ तो भाई अभी देख सकते हो, अभी मैं जस्ट पानी पी रहा था, ये गार्ड भाई से बात कर रहा था, इतने में भाई एक और ऑर्डर बच गया यहीं से ठीक है, तो गार्ड भाई भी पूछ रहे हैं कैमरा कैसे क्या, मैं बोला भाई यूट्यूब में ठीक है, इनको भी अच्छा लगा मिलके ठीक है, सही है यार, ये भी मेहनत कर रहे हैं कमा रहे हैं अपना, इस टाइम पे भाई देखो कंपटीशन इतना कहीं काम नहीं है, इंसान को जो काम मिले वही चीज़ कर रहा है ठीक है, बिल्कुल भाई कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। चलो भाई ऑर्डर देखते हैं कहाँ से इनके लोकेशन पे पहुँचते हैं, और मैं आपको पहले ही बता देता हूँ भाई ऑर्डर कितने रुपए का है ठीक है, ये नहीं कि वहाँ जाके बताऊँ, ये देख सकते हो 114 रुपये का, और दोस्तों इसमें भी ऐसा अगर लोकेशन ऐड होगा कहीं, अगर एड्रेस गलत रहे तो ये भी बढ़ सकता है कहीं ना कहीं, देख सकते हो ये राजा गार्डन जाएगा ठीक है। चलिए मैं इनके लोकेशन पर पहुँचता हूँ, फिर दोस्तों आपसे मिलता हूँ ठीक है। ये भाई लोकेशन आज 750 मिनट का यहाँ पे लोकेशन दिखा रहा है, यानी 1.25 किलोमीटर का मुझे जाना पड़ेगा, 3 मिनट लगेगा जस्ट। तो दोस्तों देख सकते हो एकदम बिल्कुल पास से ही ऑर्डर आया पोर्टर में ठीक है, सही है यार ठीक है, गार्ड भाई निकलते हैं ठीक। चलो भाई ये तीसरा ऑर्डर मैंने ले लिया है ठीक है यहाँ से, और 114 रुपये का शायद कुछ ऑर्डर थे पर इन्होंने 120 रुपये दिए, ये अंकल यहाँ बैठे हुए हैं, इन्होंने भी मेरा ये हेलमेट में कैमरा देख के बोले भाई क्या करते हैं, मैं बोला ब्लॉगिंग, इन्होंने कहा ब्लॉगिंग क्या है यार पता नहीं है, तो कोई बात नहीं है ठीक है, फिर भी अंकल ठीक है कह रहे भाई मेहनत करने में कोई शर्म है नहीं, ये भी देखो ठीक है, ये अंकल भी कह रहे थे भाई मैं पढ़े लिखा नहीं, मतलब अंकल जी पढ़े लिखे नहीं हैं बट बिजली का काम करते हैं ठीक है, और कह रहे भाई बड़े लोग ये जो होते हैं जिस काम के पर्पज से इनको लाया नहीं गया वो काम करना पड़ता है अभी, यानी ड्राइविंग के पर्पज से ही आए थे और झाड़ू पोछा सफाई हर चीज़ करना पड़ता है, अब भाई क्या करे, नहीं करेगा तो बोलेगा भाई हिसाब ले लो, ये चीज़ तो होता है ना, समझे बात को, ये चीज़ होता है। तो अब मान के चलो नहीं करेंगे तो इनको बोलेंगे हिसाब ले लो, चलो कोई नहीं भाई, देखो इंसान मेहनत तो कर रहा है भाई, कोई कुछ भी करे, कोई कुछ भी करे इंसान आखिर मेहनत तो कर रहा है, किसी का चोरी करके छीन के तो नहीं खा रहे भाई कोई, वही बात है मेहनत करने में भाई कोई शर्म नहीं है। तो दोस्तों ये जो है मेरा तीसरा ऑर्डर था अभी ठीक है, जो मैंने अभी ले लिया है,
ठीक है, और इसको लोकेशन पे मैडम ने कहा सही से छोड़ना। मैडम अगर नहीं भी बोलते फिर भी मैं सही से छोड़ता, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो चलो भाई चलते हैं, फिर मैं लोकेशन पर पहुंचता हूँ, ठीक है, फिर आपको और भी डिटेल बताता हूँ। इसका भी लोकेशन गलत रहता है कि क्या है, जैसे भी हो, ठीक है दोस्तों। चलिए मिलते हैं, मैं आपको लोकेशन पर मिलता हूँ, ठीक है। तो भाई दोस्तों ये जो तीसरा ऑर्डर था ये भी मैंने कंप्लीट कर दिया, अभी दे दिया कस्टमर को, और खोल के फिर ये रस्सी अपनी जगह सेट कर दिया। चलो ट्रिप को एंड करते हैं। तेरा 114 रुपये आया था, कस्टमर ने मुझे पहले भाई 200 रुपये दे दिए, 120 रुपये। चलो 5 स्टार दे देते हैं, इनको देने में मुझे कोई परेशानी नहीं हुई, एकदम लोकेशन पे सब चीज़ था, ठीक है। और चलो भाई अब चौथे ऑर्डर का इंतज़ार है, देखते हैं कब तक आता है। कोई बात है, कभी कभार देखो ड्यूटी जल्दी मिल जाती है, कभी कभार नहीं भी मिलती भाई, मतलब आधा आधा दिन ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो आपके पास अगर 2-3-4 ऐप है, जैसे ओला उबर रैपिडो हो गया और बोर्जो और पोर्टर वगैरह, तो आप सबको खोल के रख सकते हो, ठीक है। जिस पे पहले आए भाई लेके निकल लो, बाकी ऑफलाइन कर दो, ये चीज़ है, ठीक है। लेकिन दोस्तों क्या है, लेकिन जैसे ओला उबर रैपिडो बाइक टैक्स से भी बैन है भाई दिल्ली में, ये पेट्रोल वाले बाइक के, मतलब कोई सा भी पेट्रोल वाले बाइक के, इलेक्ट्रिक व्हीकल पे तो चल रहे हैं भाई। हेलमेट खोल के बात कर रहा हूँ ना, सांस लेने में भी मतलब कि धूल धूल पूरा जा रहा है, इतना प्रदूषण मतलब कि हो चुका भाई चारों तरफ, क्या बताएं, ठीक है। तो यही चीज़ है, तो मैं भाई पोर्टर पे पूरा दिन काम कर रहा हूँ, पूरा दिन क्या पार्ट टाइम बोलो या फुल टाइम बोलो, ठीक है। अभी देखो 10 बजे निकला था, 3 बज रहे, अभी चाहो तो मैं घर भी जा सकता हूँ, तो आप लोग समझ जाना। अब देखो ओला उबर रैपिडो जो लोग चलाते हैं भाई, सवारी को बिठाते हैं, ठीक है, इधर उधर इधर, भाई साहब एक सवारी का पैसेंजर का वजन होता है मिनिमम, चाहे लेडीज हो या जेंट्स, ठीक है। तो मिनिमम भाई कम से कम लगा लो 45 से 65, 60, 55 ऐसे, तो उससे बढ़िया भाई मैं 10 किलो 20 किलो तक पार्सल नहीं ढोऊँ, समझ रहे हो, टायर भी कम खींचेगा माइलेज भी ज़्यादा देगा, उस हिसाब से आप लोग काम करना, ठीक है दोस्तों। वो देखो भाई ड्यूटी आएगी अभी आएगी, आ जा जल्दी, ओ भाई उठा लिया भाई मैंने ड्यूटी। चलो भाई आज का चौथा ड्यूटी भी आ चुका है, ठीक है। ये देख सकते हो भाई 133 रुपये का है ये, 133 रुपये का, ठीक है। और इसका लोकेशन जो है भाई यहाँ से कितना किलोमीटर दूर है, मतलब पिकअप का, वो देखते हैं, ठीक है। कहाँ भाई आ जाओ, ओ भाई 260 मीटर यानी एकदम जस्ट बगल बगल में, ओ भाई मज़ा आ गया, ठीक है। चलो भाई जल्दी से चलते हैं यार इनके पिकअप लोकेशन पे, ठीक है, और इनके पिकअप लोकेशन पे चलते हैं। कस्टमर को पहले कॉल मिला लेता हूँ यार, क्योंकि मैं यहीं पे खड़ा हुआ हूँ, फिर बाद में देखा जाए पीछे। चलो दोस्तों लोकेशन पर मिलते हैं कस्टमर के, ठीक है। बांध लिया है, ओवर वेट नहीं है, ज़्यादा वेट नहीं है, हल्का ही है, इतना तो भाई चल जाता है। चलो भाई चौथा ऑर्डर ये मैं बस निकल पड़ा, ठीक है, और पहुंचने के बाद लोकेशन पे, ठीक है, फिर आपको दिखाता हूँ भाई, फ़ोन लगा लेता हूँ मैं अपना, इसमें लोकेशन ऑन कर लेते हैं, ये स्टार्ट ट्रिप करेंगे, ठीक है। और देखा आपने 133 रुपये का ये ऑर्डर था, कितना किलोमीटर, मेरे ख्याल से 11-12 किलोमीटर होगा अंदाजा, अब देखते हैं 10-11 कितना, ओ भाई देखो अंदाजा देखो 11 किलोमीटर 28 मिनट लगेगा, ठीक है। 3:18 पे निकल रहे हैं और 3:45 में पहुँच जाएंगे,
ठीक है भाई। इसी तरह दोस्तों देखो कोई भी काम हो, ठीक है, कोई भी काम हो इंसान अगर मन लगा के करे ना भाई, ठीक है, तो हार नहीं है। ये देखो डॉगी बैठा हुआ अच्छा है भाई। इंसान का बुरा हाल हो जाता तो जानवरों का क्या होता होगा, ना पंखा, ना नहाना धोना, ना कुछ, ठीक है। बस भाई जिन्होंने ऑर्डर किया वो तो मान के चलो मालिक थे, और यहाँ के जो वर्कर थे काफ़ी अच्छे थे, बोला भाई बैठो पानी वानी पियो, गर्मी है, स्टूल दिया बैठने को, ठीक है, थोड़ा सा समय लगाया, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, चल जाता यार 5-10 मिनट तो कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। ये देखो अभी जो मैं जितना ये निकल के आया ना, ठीक है, ये उस कस्टमर को मैंने जो पार्सल दिया वो यहाँ पे खड़ी थी, ये यहाँ पे ये कार के पास यहाँ पे खड़ी थी, बताओ यहाँ से ऑर्डर बच गया, चलो सही है यार, ठीक है, होना चाहिए। ये चौथा ऑर्डर है भाई, आज कोटर काफ़ी ज़्यादा मेहरबान है, ठीक है, वो तो शाम को उस टाइम पता चलेगा जब मैं घर निकलूँगा, घर के लिए घर के साइड में कोई ट्रिप मिलती है नहीं, कहीं देखा जाए 500 का काम किया और 300-350 पेट्रोल में लग गए है ना भाई, यही चीज़ मेन होती है और कुछ नहीं। चलो भाई मिलते हैं लोकेशन पे, ठीक है। तो दोस्तों चौथे ऑर्डर जो मैंने अभी डिलीवर कर दिया इस लोकेशन पे, और यहाँ पे मेरे साथ हो गया एक स्कैम। स्कैम बोले तो कैसा, क्वार्टर के कस्टमर केयर को पहले मैंने बोल दिया कि भाई लोकेशन आपका गलत है, मैं रिकॉर्डिंग भी हो सके तो लगा दूंगा साइड में। तो क्वार्टर के कस्टमर केयर वाला वो जो लड़का था उन्होंने बोला कि सर आप चले जाइए, आपका बड़ा हुआ पैसा ऐड हो जाएगा, 1.2 या 3 किलोमीटर तक मैं यहाँ पे आया, ठीक है। तो अब फिर ऐड हुए नहीं, यहाँ पे पहुँचा मैं देख रहा हूँ 133 ही दिखा रहा है, ठीक है। तो मैंने कस्टमर केयर को कॉल किया, कॉल आया उधर से, ठीक है। तो मैंने एक मैडम थी उनसे मैंने बात किया, तो मैडम बोल रही है सर आपका जो जहाँ पे आप आए वापसी दोबारा वो लोकेशन उसी रास्ते पे था ना, मैंने बोला हाँ मैम उसी रास्ते पे था पर आया मैं अलग रोड से। तो मैम कह रही है नहीं सर फिर तो ये इंक्रीज़ नहीं होगा, किराया नहीं बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि उन्होंने आप सोचो दोस्तों किसी ने 3 किलोमीटर आगे का एड्रेस दे दिया, ठीक है, और फिर वो वापसी बाद में 3 किलोमीटर पीछे बुला रहे, तो भाई हम 3 किलोमीटर तो आगे चले ही गए, ठीक है, उसका गया आया उसका किराया नहीं है भाई, ठीक है। तो ये चीज़ गलत लगा मुझे बॉर्डर का, ठीक है, तो यही बात है। और ऊपर से क्या हुआ, कस्टमर ने बोला आप ये डिलीवर कर दो मैं आपको ऑनलाइन पेमेंट कर दूंगा, काफ़ी बार करते भी है, ठीक है। तो इस बार क्या क्या, कस्टमर ने मुझे ऑनलाइन पेमेंट नहीं किया, ना ही कस्टमर कॉल उठा रहे हैं, ठीक है भाई। तो अब मैंने कस्टमर केयर से बात की, ऐसे ऐसे बात है, तो कस्टमर केयर ने बोला सर आपके वॉलेट में ऐड हो जाएगा, कोई बात नहीं है, चलो भाई देखते हैं, ऐड होता है तो भी ठीक है, नहीं होता है तो भी ठीक है, ठीक है। तो कस्टमर केयर ने वो जो बात बोला आप सर चले जाइए, उन्होंने कॉन्फ्रेंस में भी नहीं लिया भाई, वो कस्टमर केयर वाला लड़का जो था उसने कॉन्फ्रेंस में भी नहीं लिया सामने वाली पार्टी को जिन्होंने बुक किया था, ताकि उसको भी तो सच का पता चले। मैं बोला ले लो, उसने लिया नहीं खुद, नहीं सर आप चले जाइए, ठीक है, और बाद में कर दिया मेरे साथ स्कैम, किराया बढ़ा नहीं, चलो कोई बात नहीं है भाई, ठीक है देख लेते हैं। और उस वाले कस्टमर को क्या कहे, कॉल मिलाओ या नहीं देखता हूँ एक बार मिला के, ठीक है, एक मिनट, चलो भाई एक बार कॉल मिलाता हूँ उसको फिर देखते हैं। ये नंबर था, ठीक है, इसको बार बार बिजी जा रहा है भाई, ठीक है, ये सुनो आप, चलो कोई नहीं भाई चौथा ऑर्डर अब इसको छोड़ते हैं। कस्टमर ने तो बोला मेरे वॉलेट में आ जाएगा, ठीक है, तो चलो कोई बात नहीं एक बार भरोसा करते हैं, ठीक है, पांचवी राइड का इंतजार करते हैं जैसे भी आपको बताता हूँ, ठीक है दोस्तों। दोस्तों नए हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, ऐसी रिलेटेड वीडियो पाने के लिए, ठीक है। तो दोस्तों बाइक मैंने अभी साइड में लगा लिया है, देख सकते हैं बिल्कुल। अब मैं सोचा कि आपको अर्निंग की बात दिखा दूँ कि कितनी अर्निंग हुई आज, ठीक है। तो ये देख सकते हैं यार क्या ये चालू हो गया असिस्टेंट, चलो कोई बात नहीं, ये देख सकते हैं मैंने आईडी खोल लिया, ठीक है, और ये देख सकते हैं भाई आज की अर्निंग सेक्शन पे जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये देखो 6 घंटा 58 मिनट ऑनलाइन रहा मैं,
अभी बज रहे देखो 5, क्योंकि घर आने में मुझे 1.25 घंटा लगा। जहाँ से मेरा ड्यूटी डिलीवर कर दिया था मैंने, वहाँ से मेरा घर था लगभग 25 किलोमीटर, तो वही 1 घंटा समथिंग लगा लो, 1.25 घंटा, ठीक है। तो समझो वही 4:15 बजे तक मैं फ्री हो गया था, ठीक है। तो मैं रास्ते तक आते आते भी ऑनलाइन था, तो ये टाइमिंग दिखा रहा है। और आज मैंने काम किया कमीशन वगैरह हटा के कंपनी का 652 रुपये, यहाँ देख सकते भाई 652 रुपये मैंने काम किया अभी, ठीक है। अब ये 652 रुपये कैसे, 293162, ये सब कमीशन काट के दिखाता है। चलो कैलकुलेटर निकालते हैं, हाँ 293162 कहाँ है 293 + 162, ठीक है, सॉरी प्लस कितना था और 91 और 106, ये रहा 91 + 106, जो 106 रुपये मुझे मिले हैं वो लास्ट वाले ऑर्डर का, जो 133 रुपये हो रहे थे ना, वो जिसने कस्टमर ने मुझे पेमेंट नहीं दिया, वो कंपनी ने मुझे दे दिया कमीशन काट के ये, ठीक है। तो 652 रुपये, अब 652 रुपये का काम हुआ यहाँ पे, ठीक है। और 20% के हिसाब से दोस्तों फिर कंपनी ने हमारे पास काटा कितना जोड़ सकते हो, ठीक है। तो वही चीज़ है, इस सेक्शन में जाऊँगा तो देखो कमीशन वगैरह सारा दिख जाएगा। ये देखो 133 रुपये का काम करा, ठीक है, तो ये देखो 27 रुपये था ये कंपनी का फीस, 20% जो भी है भाई, ये 20% ही लेते हैं ये कंपनी, ठीक है। बहुत सारी कंपनी ऐसा होता है कम बोलते हैं ज़्यादा काट लेते हैं कहीं कुछ, ये 20% कहती है, 20% काटता है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है। देख सकते हो 106 रुपये मिले, ये 91 वाले पे देखो 114 रुपये मुझे मिले, ठीक है, कंपनी ने 23 रुपये काटा, 91 रुपये मुझे दिए, ठीक है। 162 वाले पे देखो 202 रुपये मुझे मिले कस्टमर से, 162 रुपये कंपनी ने मुझे दिए और 40 रुपये कंपनी ने काटा जोड़ो, ठीक है। और 293 वाले पे देखो 293 रुपये मुझे मिले, 366 रुपये मैंने कस्टमर से लिए, वही लगभग देखो 73 रुपये, मैंने पहले ही बताया था 73 रुपये काटेगा, 293 रुपये मिले। तो मेरा आज काम हो गया 652 रुपये, और मेरी बाइक की किलोमीटर यहाँ देखो 23,414 है, और मैंने फ़ोटो खींच रखा था भाई, फ़ोटो मैं आपको दिखा दूँ, एक मिनट कहाँ है कैमरे में जाके, ये देख सकते 23,330, ठीक है। तो यहाँ पे मैं माइनस कर लेता हूँ 652 रुपये कमाए, हाँ ध्यान रखना, और 23,414, ठीक है, माइनस वो कितना था 23,330, 83,034 किलोमीटर गाड़ी चल गई मेरी, गुना 2 रुपये किलोमीटर के हिसाब से चलती है भाई ये बाइक, 168 लगभग 170 रुपये का पेट्रोल भाई, टायर वगैरह जो घिसता है इंजन ऑयल इसका खर्चा अलग से होता है, जो भी ये पेट्रोल का 170 रुपये का पेट्रोल माइनस कर दूँ, और 652 में से 170 दोस्तों देख सकते हो 482 रुपये आज मुझे बचे, वो भी कितने बजे से लगभग जोड़ो 10 बजे से 4, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 6 घंटे में 482 रुपये भागा 6 कर देते हैं दोस्तों, ये 80 रुपये घंटा पड़ा, आप देख सकते हो भाई, कोई बुराई नहीं है भाई मेहनत करने में, ठीक है। आप लोग भी चाहते हो अगर इस फील्ड में आओ, काम है पूरे दिन अगर काम करो तो भाई 700-800 यानी महीने का 18,000-20,000 रुपये आप कमा सकते हो पेट्रोल खर्चा हटा के, ठीक है। ये मैंने 6 घंटे काम करे हैं, तो पेट्रोल खर्चा हटा के 482 रुपये बचे, ठीक है, 450 लगा लो, कुछ भी लगा लो आप, ठीक है। और अगर मैं 6 घंटे की जगह अगर 12 घंटे करूँ तो मेरे 800 रुपये तो हो ही जाएगा भाई, समझे, 350 भी अभी जोड़ो, 350 तो गुना 700 हो ही जाएगा 12 घंटे चलाऊँ तो पेट्रोल खर्चा निकाल के, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी दोस्तों, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, ठीक है, कोई भी दिक्कत हो कमेंट करना भाई, ठीक है। और ऐसी रिलेटेड वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिलती रहेगी भाई, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो भाई, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, ठीक है दोस्तों, ठीक है। फोन को जेब में डाल लेता हूँ भाई, ठीक है, क्योंकि घर पहुँचने वाले हूँ अब मैं, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और दोस्तों मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए भाई, तब तक के लिए बाय, और अपना ख्याल रखना सब, ठीक है।